मोहिनी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला मटरी। ये बहुत ही टेस्टी होती है, इसे हम काफी दिनों तक रख करके खा सकते हैं। कहीं जाते हैं तो एयरटाइट जार में रख के ले जा सकते हैं। और चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने पहले से छान लिया है। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देती हूँ, थोड़ी अजवाइन ले लेती हूँ, जिसे हम क्रश करके इस तरह से डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका सारा देख लेते हैं अच्छे से मिक्स हुआ नहीं हुआ। मोइन अच्छे से पड़ना चाहिए इसमें। सारा मिक्स कर लिया अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मोइन पड़ गया इसका। देखिए ये लड्डू सा बन रहा है ना इसका, ये हमारा मोइन अच्छे से पड़ा है। इसे हम गूंदना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। इसका हमने टाइट डो बनाना है, बहुत पतला नहीं करना है इसका। अब इसे हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये टाइट है हमारा काफी, ये देखिए अब इसे ढक के रख देते हैं। ये ढक के रख देते हैं। बेसन तैयार कर लेते हैं गूंद के। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें डाल लेते हैं आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल लेते हैं मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। अब इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी, इसे थोड़ी क्रश करके डालेंगे। ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें, 1 टीस्पून मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है, इससे इसका अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा लगेगा। अब इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और इसका भी हम बहुत टाइट डो बनाएंगे, जैसे हमने उसको बनाया है मैदे का। ¼ टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर मिक्स कर लेते हैं। अभी से हम अच्छे से मिक्स करके गूंथना शुरू करेंगे। हल्का हल्का पानी लगाना है इसमें, बेसन बहुत जल्दी पतला हो जाता है। ये देखिए हमने बेसन को अच्छे से भून लिया, ये देखिए कितना टाइट डो है इसका। ये हमारा बेसन तैयार हो गया गूंथ के। अब हम इसे भी थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब पहले हमने ये कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए।
ये सिम गैस पे गरम होता रहेगा। तो थोड़ा इसमें था को देख लेते हैं कैसी हो गई, थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं इसे। इसके हम बराबर बराबर 3 पीस कर लेते हैं, ये बराबर 3 पेड़ियां हो गए इसके। हम अच्छे से पेड़ी बना के रख लेते हैं। हमने इसकी पेड़ियां बना ली है, अब हम इसी तरह से बेसन की भी 3 पेड़ियां बना लेते हैं बराबर बराबर। बराबर बराबर 3 पेड़ियां इसकी भी कर लेते हैं। ये देखिए बराबर हो गई, इसकी हम पेड़ियां बना के रख लेते हैं। ये 3 पेड़ियां बना लिए बराबर बराबर है। अब हम एक पेड़ी उठाते हैं इसमें से, थोड़ा हाथ से दबा के इसे फैला लेते हैं मैदा को। इसके ऊपर हम बेसन की रख लेते हैं। हम इसे बेल लेते हैं। इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा रखना है इसका। ये हमने कर लिया, इसका हम एक रोल बना लेते हैं, टाइट सा एक रोल बना लेते हैं। रोल बना लिया हमने, इसी तरह से हम बाकी को भी कर लेते हैं तैयार। ये हमारे तीनों रोल तैयार हो गए, अब हम इन्हें काट लेते हैं। ये रोल है, साइडों से हम थोड़ा थोड़ा अलग निकाल देते हैं। अब ये हमने 1/2 इंची के उस पर लेना है, 1/2 इंची मोटी रोल काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सारे रोल काट लिए। अब इन्हें हम थोड़ा थोड़ा दबा के इस तरह से हल्का हल्का बेल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बेल लिए, इस तरह से हम सारे बेल के रख लेते हैं। ये देखिए, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, उतनी ही खाने में अच्छी लगेंगी। इसी तरह से हम सारे बेल के रख लेते हैं। ये हमने आधे बेल करके तैयार कर लिए, अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसे हम लो फ्लेम पर ही इसे सेकेंगे, खस्ता होकर आधी रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है, बहुत ही अच्छा सिक रहा है, सिकने के बाद और भी अच्छा लगेगा, ये एकदम ब्राउन से कलर का हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये, और बहुत ही खस्ता रहेगी। आप इसे काफी दिनों तक रख के भी खा सकते हैं, एयर टाइट जार में रख दीजिए, फिर ये काफी दिन तक चल जाते हैं। चाय वगैरह के साथ जब मर्जी अपने निकाले और खा लिए, हल्की भूख में भी इन्हें खाए जा सकते हैं, अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारी सारी मटकियां सिक करके तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी ब्राउन हो गई है। अब इनका ऑयल हम इस तरह से साइड में लेके निकाल देते हैं। सारी सिक चुकी है, ये देखिए हमारी मसाला मटरी बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छी बनी है, ये देखिए
ये देखिए कितनी, ये देखिए है ना खस्ता, एकदम से बहुत खस्ता बनी है, ये देखिए बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।